धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर सेक्टर नंबर 3 सागौर में आज सुबह साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को नाले से नवजात बच्ची का शव एक थैली में रखा हुआ मिला। शव मिलते ही आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। लोगों ने 100 नंबर को फोन लगाकर पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची और जांच कर मर्ग कायम करके मासूम के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीथमपुर पीएम के लिए पहुंचाया गया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। आज यहाँ पे बच्ची मिली है, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? हमें जानकारी है कि जैसे अब वो आई थी गाड़ी, देखा हमने बच्ची पड़ी हुई दिखी, मैंने फोन लगाया। पॉलिसिन की थैली में थी अंदर, मैंने भी फोटो खींच के फोटो डाल दिया, फोन 100 नंबर पे फोन लगा दिया। फोन लगाने के बाद में सर आए, देखा हमने, कार्रवाई करी और छोरी को बच्ची को थैली में लेके चले गए। वो थाने पे बुलाया, मैं उनको थाने पे चले गए, कार्रवाई कर दी। अब उसकी कायमी हो गई। जो ये अभी नवजात बच्चे का शव मिला, उस विषय में आज सुबह पुलिस पिता रसीद खान जो जमाई मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने सूचना दी थी कि उनके घर के सामने एक अज्ञात नवजात शिशु का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर हमने लोग प्रारंभिक कार्रवाई की गई और उसको हमने शरीर को, जो कि लड़की का था, उसको पीएम हेतु रवाना किया गया है और अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध आने पर अपराध धारा 318 भारतीय दंड संहिता का कायम कर विवेचना में लिया गया। जी सर, आपका नाम बताओ। आरएस भदौरिया, थाना प्रभारी साबो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।